Jingle Toons. जंगल के बाहर एक झुग्गी में एक बकरी और उसके नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे सात बच्चे रहते थे। बकरी अपने बच्चों को खूब लाड़ प्यार करती और उनका अच्छे से ख्याल रखती। अक्सर बकरी को घास फल लाने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता और तब ये छोटे छोटे बच्चे घर पर अकेले ही रह जाते। बकरी जानती थी कि जंगल में बदमाश भेड़िए रहते हैं और उनकी नजर उसके नन्हे मुन्नों पर है, इसलिए वो उन्हें हमेशा खतरों से सावधान करती। ऐसे ही एक बार बकरी घास फल लाने बाहर जा रही थी तो उसने अपने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम सब घर पर ही रहना, दरवाजा ठीक से बंद करना और किसी भी अनजान को दरवाजा खोलना नहीं, ठीक है? हाँ ठीक है माँ। हाँ, ठीक है। मगर हम आपको पहचानेंगे कैसे? कैसे पता चलेगा कि दरवाजे पर आप हो? मैं ये गाना सुनाऊंगी। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। जब तुम ये गाना सुनोगे तभी दरवाजा खोलना, ठीक है? हाँ ठीक है माँ, हम समझ गए। बकरी ने अपना झोला उठाया और चली गई। मगर एक बदमाश भेड़िया बकरी की और बच्चों की सारी बातें छुपकर सुन रहा था। ओ हो, अब इनका राज मुझे पता चल गया है, आज तो मेरी दावत है। तेजी से दौड़कर भेड़िया बकरी के घर गया। उसने दरवाजा खटखटाया और अपने बेसुरे आवाज में गाने लगा। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। अरे वाह, माँ आ गई, चलो दरवाजा खोलते हैं। मगर माँ इतनी जल्दी कैसे आई? हाँ दरवाजा खोलो, माँ मजेदार खाना लाई होगी। रुको, दरवाजा मत खोलो, ये आवाज हमारी माँ की तो नहीं लगती, माँ तो कितना मीठा गाती है, और ये जैसे कोई मेंढक टरटरा रहा हो। हाँ सही है छोटू, ये हमारी माँ नहीं। हाँ, ये हमारी माँ नहीं। चले जाओ यहाँ से, तुम हमारी माँ नहीं हो। बाहर खड़ा भेड़िया हैरान हो गया। अरे बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ, खोलो दरवाजा। नहीं नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती, हमारी माँ की आवाज़ तो मीठी है और तुम्हारी मेंढक जैसी, चले जाओ यहाँ से। भेड़िया समझ गया बच्चे यूं ही हाथ नहीं आने वाले, क्या किया जाए, वो सोचने लगा। अरे ये तो पहचान गए मेरी आवाज़ भी ना, उफ़ क्या करूं? आइडिया, अभी शहद पी के आता हूँ। भेड़िया समझा कि शहद पीने से उसकी आवाज बकरी जैसी मीठी हो जाएगी। उसने जंगल में मधुमक्खियों का छत्ता ढूंढा, जैसे तैसे शहद पिया और फौरन बकरी के घर आया। अरे क्या था वो गाना? हाँ, दरवाजा खोलो मेरे प्यारे बच्चों, मम्मी है आई, और जल्दी जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। हाँ यही गाना था। बकरी के घर आकर उसने दरवाजा खटखटाया। भेड़िए ने बकरी जैसी आवाज निकालने की बहुत कोशिश की। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। लगता है माँ आ गई है। हाँ हाँ, आवाज तो उन्हीं की तरह मीठी है। चलो ना खोलते हैं दरवाजा,
माँ मजेदार खाना लाई होगी। हाँ हाँ, खोलो तो दरवाजा। रुको, पहले मुझे तसल्ली करने दो, बाहर माँ है या कोई और? बच्चा दरवाजे के पास गया और दरार में से झांकने लगा। उसे काले पैर दिखाई दिए। उसने कहा, ये हमारी माँ नहीं, उनके पैर तो गोरे चिट्टे हैं और इसके पैर काले कलूटे हैं। ये हमारी माँ नहीं है, मत खोलो दरवाजा। छोटा बच्चा दरवाजे के पास गया और उसने कहा, तुम हमारी माँ नहीं हो, तुम्हारे पैर काले हैं, मगर हमारे माँ के पैर तो गोरे हैं। चले जाओ यहाँ से। तुम हमारी माँ नहीं हो, चले जाओ यहाँ से। अब भेड़िया परेशान हो गया। ओफ, ये बच्चे हैं या जासूस? इतनी जल्दी भेड़िया कहाँ हार मानने वाला था। वो गया गांव की चक्की में। दोपहर का वक्त था, चक्की वाला आराम फरमा रहा था। भेड़िए ने चुपके से आटे की बोरी में अपने पैर डुबाए। अब उसके पैर बकरी जैसे सफेद हो गए थे। हाँ, अब देखता हूँ कैसे दरवाजा नहीं खोलते। भेड़िया फिर से बकरी के घर गया। दरवाजा खटखटाकर गाने लगा। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। इस बार तो पक्का माँ ही आई है। हाँ हाँ, माँ ही है, देखो कितनी मीठी आवाज है। दूसरे बच्चे ने दरार में झांका तो उसे सफेद पैर दिखाई दिए। और देखो, पैर भी गोरे हैं। चलो ना, खोलते हैं दरवाजा, मुझे भूख लग रही है। हाँ हाँ, माँ आई है, चलो दरवाजा खोलते हैं। नहीं नहीं, मत खोलो दरवाजा, वो माँ नहीं कोई और ही है। मगर बाकी बच्चों ने छोटे की एक न सुनी और दरवाजा खोल ही दिया। और फिर क्या हुआ? भेड़िया जोर से चीखा, मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी माँ और मैं तुम्हें खाना देने नहीं, तुम्हें ही खाने आया हूँ। भेड़िया घर के अंदर आ गया। उसे देखकर बच्चे बहुत ही डर गए। चिल्लम चिल्ली मच गई। बच्चे इधर उधर भागने लगे, भेड़िए से छुपने लगे। कोई पर्दे के पीछे छुपा तो कोई पलंग के नीचे। एक बच्चा अलमारी में छिप गया और दो बच्चे एक बड़ी सी टोकरी के नीचे छुप गए। एक को कुछ समझ में नहीं आया तो वो ऐसे ही बुत बना खड़ा रहा भेड़िए के सामने। अब कैसे बचोगे मुझसे, मैं तुम्हें पकड़ कर ही रहूंगा। भेड़िए ने एक एक करके सब बच्चों को ढूंढा और पकड़कर एक बोरी में डाल दिया। बोरी को अपने कांधे पर रखकर मजे से गुनगुनाता जंगल की ओर निकल पड़ा। ओ हो हो, नन्हे मुन्ने ताजे ताजे बच्चे, आज तो मेरी दावत है। भेड़िए की नजर से बचकर सबसे छोटा बच्चा चूल्हे में जा छुपा था। भेड़िया का ध्यान उस पर नहीं गया और वो बच गया। थोड़ी देर बाद जब बकरी खाना लेकर घर पहुंची तो उसने देखा कि घर का दरवाजा तो खुला है और अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। डर के मारे वो बच्चों को पुकारने लगी, बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ हो तुम? देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। माँ की आवाज पहचान कर सबसे छोटा बच्चा बाहर आया और रोने लगा। बकरी ने तुरंत उसे गले लगा लिया और पूछा, तुम्हारे भाई बहन कहाँ हैं? छोटे बच्चे ने रोते रोते सारी हकीकत माँ को बताई। बकरी गुस्से से लाल हो गई। मेरे बच्चों को ले गया, उसकी ये जुर्रत, अभी खबर लेती हूँ उसकी। चलो मेरे साथ, बच्चों को और उस बदमाश भेड़िये को ढूंढते हैं। इधर भेड़िया बोरी लेकर भागते ही जा रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो थक गया। उसने सोचा,
अब थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। वैसे भी बच्चे कहाँ भागे जा रहे हैं, उन्हें तो मैं बहुत चाव से खाऊंगा। ऐसा सोचकर भेड़िये ने बोरी नीचे रखी और एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम से सो गया। बच्चों को ढूंढ रही बकरी ने उसके खर्राटे सुने। बकरी ने देखा भेड़िया आराम से सो रहा था। पास पड़ी बोरी में बच्चे हिल डुल रहे थे। बच्चों को जिंदा देख बकरी की जान में जान आई। वो छुपके से बोरी के पास गई और उसे खोल दिया। सारे बच्चे बोरी से बाहर आ गए। बच्चे माँ को देखकर बहुत खुश हो गए। इतने में छोटे बच्चे ने एक बड़ा सा पत्थर लाया और उसे बोरी में डाल दिया। उसकी देखा देखी सारे बच्चों ने बड़े बड़े पत्थरों से बोरी भर दी। बकरी ने बोरी को रस्सी से बांध दिया। अब बकरी और उसके साथ बच्चे पास की झाड़ी में छुपकर आगे का तमाशा देखने लगे। कुछ ही देर बाद भेड़िए की नींद खुली। ओह, बहुत देर हो गई, अब मैं घर जाता हूँ, नन्हे बच्चे खाता हूँ। भेड़िया बोरी उठाकर निकल पड़ा। कितनी वजनदार है बोरी, खूब सारे बच्चे, आज तो मेरी दावत है, मैं तो पेट भर के खाऊंगा। बोरी उठाकर भेड़िया चल पड़ा, मगर पत्थरों से भरी बोरी उससे संभाली नहीं जा रही थी। नदी पार करने के लिए जैसे ही वो पानी में उतरा, पैर फिसलकर पानी में गिर गया और बहाव के साथ बहने लगा। अरे, अब मुझे कोई बचाओ, मुझे बचाओ। बकरी और उसके साथ बच्चे भेड़िए की हालत देख हंसना रोक ही नहीं पा रहे थे। सबक: बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है। हम आपके लिए हमेशा नए कहानियाँ और नए गाने लेकर आते रहेंगे। तब तक आप गाते और देखते रहिए। जिंगल टूंस, जिंगल टूंस, जिंगल टूंस।